राजा की कर लिया था, ठीक है, चालीस किसको हराया था और अपने आप को राजा बनाया था, ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने देखा था अशोक के टाइम तो आते थे, पूरे इंडिया पे उनका राज हो गया यार, मतलब ये समझ लो कि पूरा इलाका उनके अंडर में आ गया। अब अशोका को अपने सब भाइयों को मार दिया, अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया, तो उसका राज खूब बढ़ने लगा, खूब पैसे आने लगे उसके पास, क्लास सिक्स, क्योंकि जितना भी वहां पे ट्रेडिंग होती थी सबका टैक्स मिलता था उसको। SST, हिस्ट्री, आज चैप्टर खत्म कर देंगे हम लोग, यस और सर। चैप्टर 8 अशोका। ओके दोस्तों, अब फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं कि जब उसके राज्य के अंदर उसको खूब पैसा वैसा आ गया, सब कुछ ठीक ठाक है उसके राज्य में, तब इसकी कलंगिया से लड़ाई होती है और वहां पे वो देखता है कि इतने लोग मर गए। देन ही जॉइंस बुद्धिज्म, एंड फिर वो बुद्धिज्म की ही पूरी, जब तक जो जिंदा रहा बुद्धिज्म के लिए काम करता रहा, जगह जगह बुद्धिज्म के नाम के उसने वो बनाए, स्तूप स्तूपास बनाए थे, आई थिंक 800, अभी हम देख, मैं बता दूं अशोका का जो टाइम था वो था भाई 272 में पैदा हुआ था, 232 में मर गया था, 232 BC। एक चीज बोलनी है सर, नहीं नॉट या 222 BC, ठीक है। तो एक मिनट यस होल्ड कर ले, मैं मेरी बात तो खत्म कर लेने, मेरे को मेरी बात पूरी होने जाने। और उसके बाद हर जगह स्तूप बड़े बड़े उसने वो स्तूपा बनवा दिए, स्तूपाज के ऊपर इंस्क्रिप्शन करा दिए कि ये करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, अपने बच्चों को भी भाग फॉरेन कंट्री में भेजा और अच्छी तरह से बुद्धिज्म को डेवलप किया और पूरे पूरे इंडिया पे कब्जा कर ही लिया, एक्सेप्ट साउथ का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के। या डाउट्स एंड देन वी गो अहेड। या सर, आज सर रीडिंग के लिए मेरा नाम सर अभिराज में डाल लेना, क्योंकि सर विराज के लास्ट में आज सर। ओके, अभी तक सर हमने रीडिंग, मीमी कल करवा लो सर, वो मीमी वाला सर कल हमने रीडिंग करी थी कि नहीं करी थी? करी थी ओके कल सर, नीचे से हुई थी ठीक, सर, आज मैं नीचे हूँ ना इसलिए सर। ओके देख लेता हूँ मैं किस किस का। मीमी करा दो ना सर युवराज से खत्म सर, हुआ था मीमी सर, सर युवराज युवराज। ने लास्ट किया था। ओके अक्षिता, गुड इवनिंग अक्षिता, कैमरा ऑन करो, युवराज कैमरा ऑन करता। ऑल राइट गाइस, लॉयल लॉयल, मैं नोट्स लेके आ रहा हूँ। बहुत अच्छा चैप्टर है, अभी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपके उसमें। यस यस, क्लास 6, SST, हिस्ट्री, चैप्टर 8, चैप्टर 8, हरियाणा प्रेस, राइट, शेयरिंग, सर मी वाला करवा रहे हैं। ओके नाउ हाय गाइस। सर तो मीम हमने वाला हो कहाँ रहा है तक, हमने हमने रीडिंग देखो, हमने जहां तक तो मुझे याद है युवराज ने रीडिंग कर लिया था यार। सर, ओके युवराज पुष्पम, गुड इवनिंग ने अक्षिता, गुड गुड इवनिंग, कैमरा ऑन कर लो, वेल कर लो। इवनिंग हाँ मनन गुप्ता आपका, आप मनन ने पढ़ा था कि पढ़ा था? सर, मनन ने पढ़ा पढ़ा था, था। नो सर, नो सर सर, पढ़ा था सर, मनन ने पढ़ा भी था पढ़ा ना था सर। ये? हाँ हाँ ये तो पढ़ा नहीं नहीं था एक सर, ये मिनट, तो मैंने पढ़ा था। नीचे से रीडिंग कराई थी कल क्या? यस सर, यस सर, तो पढ़ा था सर कल सबसे अभिराज, पहले सर, तो तेजस ने अभिराज पढ़ा अभी था बचा हुआ है, अभिराज बचा सर, हुआ, अभिराज मैंने से शुरू पढ़ा था कर लो सबसे फिर, पहले। ठीक है। अभिराज आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके, रूलिंग द एम्पायर। अच्छा दोस्तों, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि हाउ किंग क्या करता था, जहां का कैपिटल के आसपास का एरिया खुद देखता था, पाटलिपुत्र के आसपास सब जाके टैक्स कलेक्ट करते थे। इन राजाओं का मेन प्रॉब्लम था टैक्स कलेक्ट करने का, कैसे टैक्स करना, सबको पैसा चाहिए, जो उसको आर्मी बनानी है, आर्मी से फिर और बड़ा राजा बनेगा, फिर बड़ी आर्मी, फिर ज्यादा टैक्स, सब ये सब। तो टैक्स देने वाले कौन कौन थे? फार्मर टैक्स देते थे, जो ट्रेड का काम करते थे, अपना बिजनेस करते थे वो टैक्स देते थे, और इसके अलावा जो क्राफ्ट पीपल थे, जो भी कुछ अलग अलग चीज बनाने से, आयरन की चीज बना रहे हैं, वुड की चीज बना रहे हैं, वो टैक्स देते। तो और जहां जहां दूर के इलाके थे, जैसे तक्षशिला हुआ या फिर उज्जैन हुआ, वहां अपने बेटे को बना दिया गवर्नर, ऐसे करते। राइट, आई थिंक यहां से हमें मतलब सर चाइना वगैरह भी सर अशोका के अंडर में थे ना। नहीं, चाइना शो के अंडर कभी नहीं रहा, चाइना पे कभी किसी ने राज नहीं किया। कल ही मेरे से कोई पूछ रहा था, एक क्लास का स्टूडेंट, की सर अंग्रेजों ने चाइना का, अंग्रेज भी चाइना को कुछ नहीं कर पाए, तो हिमालय है ना पूरा, वहां जाने का रास्ता ही नहीं है, कौन कैसे जाएगा? सर थोड़े ब्रिटिशों बहुत, भी कब्जा नहीं कर पाए थे। नहीं कोई नहीं कर पाया, थोड़े बहुत लोग तो जा सकते हैं, 8-10 बंदे, 2-4 घोड़े लेके चले गए, लेकिन पूरी आर्मी ले जाना इम्पॉसिबल। ओके सो अर्थशास्त्र में मैंने से बताया कि अर्थशास्त्र कितना इम्पोर्टेंट है, अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में बहुत कुछ लिखा हुआ है, सारी नॉलेज की चीजें लिखी है अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र लिखा किसने?
कौटिल्या, चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, तीन नाम है कि बंदे के, इतना इंपॉर्टेंट आदमी हो। सर पढ़ू? अभिराज गौतम, प्लीज स्टार्ट विद पॉइंट नंबर एट। The Earthshaster tells us that the Northwest was important for blankets and South India for its golden and precious, golden precious stone. Northwest की जब बात करते हैं तो अफगानिस्तान साइड की बात हो रही है, अफगानिस्तान, कश्मीर, ब्लैंकेट वहां से बन के आते हैं। ओके, इट इज ऑल्सो दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट यानी गिफ्ट। ओके गाइस, ट्रिब्यूट ध्यान रखना, ट्रिब्यूट का मतलब होता है गिफ्ट। ओके, there were also the forested regions where people were more or less independent, but may have been expected to supply elephants, timber, honey and wax to Mauryan officials. Okay, एक चीज मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को। देखो, राजा को हर बंदा गिफ्ट देगा, हर बंदे से टैक्स राजा लेता है, देखते हैं राजा किससे क्या लेता है। देखो समझो दोस्तों, यू जस्ट टेक योर माइंड बैक, जस्ट टेक योर माइंड बैक टू 2300-2500 ईयर्स बैक। अभी तो अभी हम 2022 में है, 2300-2400 ईयर्स पहले ले जाओ। कल मैं तुम्हें पिक्चर उसको दिखा दिया था टीवी पे, किस तरह की लाइफ होती थी। जस्ट इमेजिन यू आर अ किंग, जस्ट इमेजिन दैट यू आर अ किंग। नाउ यू विल गेट मनी फ्रॉम व्हाट ऑल पीपल, जस्ट फार्मर्स विल गिव यू टैक्स। हाँ जी सर, आज की डेट बड़ी खास है। हाँ पता है मेरे को, 2020 मेरा इमेज है, मेरा इमेज अगर मेरे यहाँ रख देंगे तो इमेज बन जाएगी। ओके, तो किंग से टैक्स, रेगुलरली टैक्स मिल रहा है किससे, फार्मर से, किंग को, राइट। उसके अलावा जो मर्चेंट्स हैं, जो ट्रेडर हैं, जो सामान बेचते वाले बिजनेसमैन, मर्चेंट का मतलब होता है बिजनेसमैन, इधर का खरीदा उधर जाके बेच दिया, क्योंकि वो राजा के, उस राजा के राज्य में से निकलेंगे वो लोग, जहां जहां राजा का राज्य है वहां से निकलेंगे वो, और जहां जहां निकलेंगे उनको टैक्स देना पड़ता था रोड पे, जहां से निकलते थे वहां चुंगी लगी रहती थी, चुंगी पे टैक्स देते। तो मर्चेंट देगा टैक्स, और ये समझ लो ये रोड, रोड के ऊपर टैक्स लगता था इनको, जहां जहां रोड यूज कर रही है राजा। उसके बाद जो लैंड लॉर्ड वगैरह होते थे वो राजा को टैक्स नहीं देते, वो गिफ्ट लेके आते थे, गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट। तो इधर से इसको ये मिल रहा है, ठीक। अब जंगल के लोग हो गए, जंगल ट्राइबल पीपल, ट्राइबल्स, ट्राइबल्स राजा को क्या क्या देते थे, एक तो सबसे पहले एलिफेंट चाहिए होते राजा को, एलिफेंट्स, क्योंकि एलिफेंट से लड़ाई होती थी, लड़ाई जो होती थी, राजा वगैरह एलिफेंट पे बैठते थे, बाकी सोल्जर वगैरह चलते थे नीचे। सर एलिफेंट की बहुत जरूरत होती है। सर एक क्वेश्चन है, बताया जाता है कि राजा को इतने सारे पैसे की जरूरत होती है आर्मीज को वो लगाने के लिए, तो सर ये लोग अपने ये गोल्ड ये सब आर्टिस्ट को ऐसे क्यों दे देते हैं? वो उसकी चीज ऐसे थोड़ी को सारा राजा देखो राजा को अपनी इमेज, सपोज कर तुम एक बहुत बड़े राजा हो आज, तुम्हें अपनी एक इमेज भी बना के रखनी है, प्रजा में बोना चाहिए यार राजा हमारे बड़े अच्छे, गरीब आदमी को अपनी गले की माला निकाल के आदमी के सामने राजा आदविक ने तभी के तभी पकड़ा दी, क्या बात, क्या वहां राजा है, बड़े बड़े राजा हमेशा नहीं करता था सर, तो बस अपनी इमेज के लिए, पहला इमेज, पहला नहीं, पहला इमेज। दूसरा उसको इतना अच्छा कलाकार मिला, उन दिनों एंटरटेनमेंट के लिए ना तो मोबाइल गेम होते थे, ना तो पिक्चर होती, ना हॉलीवुड था, बॉलीवुड था, कोई गाना गा रहा है बढ़िया उसका एंटरटेनमेंट कर रहा है, कोई डांस कर रहा है, उसका कोई अच्छी मूर्ति बना दी, तो राजा को पेमेंट तो कर रहे हैं कैसे ना कैसे, लेकिन जब वो पेमेंट ड्रामे के साथ करेगा, अपनी गले की माला निकाल के देगा, उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, बंदा भी खुश रहेगा, उसको उतनी सोने की मुद्राएं देगा या वो माला लेके जाएगा, वो माला कल को सबको दिखाएगा, राजा मेरे को ये माला दी, देखो मैं संभाल के रखता हूँ इसको, कभी कभी पहनता हूँ त्योहार के दिन, ठीक है। तो उस तरह से ये सब माइंड गेम थे, माइंड गेम थे। तो ट्राइबल से इनको एलिफेंट्स मिलते थे, मेडिसिनल प्लांट मिलते थे सर, ऐसा गिफ्ट देते थे ये लोग भी या फिर सीधा छीनते थे? ना इनका रेगुलर टैक्स नहीं था, गिफ्ट था, गिफ्ट्स, ओके, हनी दे दिया इस तरह से, ओके, जैसे अभी कश्मीर के लोग थे, कश्मीर साइड से लोग हैं, या फिर अफगानिस्तान के साइड से हैं, इन लोगों ने क्या करना है, ब्लैंकेट दे देने हैं राजा को, ठीक है, कुछ मेडिसिन जो वहाँ उनकी मिलती हैं, हर बंदा राजा को खुश करता रहता था, और राजा भी सब कुछ साथ लेके चलता था, ताकि राजा, ठीक है।
इसके अलावा एक और बात को मैं आगे चल के देखने को मिली, बहुत टाइम ऐसा हुआ जब राजाओं के पास पैसे खत्म हो जाते थे। ये बात जो जब तुम एट्थ क्लास में आओगे तो एक सेवन्थ क्लास में एक चैप्टर पड़ेगा 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। हम देखते हैं औरंगजेब वगैरह के मरने के बाद राजा जैसे मराठा राजा थे, शिवाजी थे, इनके पास पैसे नहीं थे तो ये क्या करते थे, सेठ लोगों से पैसे उधार लेते थे, उससे अपनी आर्मी बनाते थे, जीत के आते थे, सम पैसा लेके आते थे, उसको फिर वापस करते थे इंटरेस्ट के साथ। तो जो मनी लैंडर्स होते थे वो भी राजा को देते थे पैसा, जनरली लोन देते थे। सर ये तो लाइक राजा है तो फिर पैसे लेके सीधा बंदे को मार दो? नहीं ऐसा नहीं होता था, ऐसा बहुत कम हुआ ऐसा। एक्चुअली बच्चों को लगता है, तुम लोगों को क्या, बहुत लोगों को ही लगता है। देखो दोस्तों अगर कोई राजा ऐसा करने लगेगा ना, देखिए सबसे बड़ी पावर पैसे की है, राजा की पावर नहीं पैसे की। अमेरिका इंग्लैंड में क्या हुआ था, एक राजा था, किंग था, उसको पैसे की जरूरत पड़ी कि फ्रांस से लड़ाई हो रही थी, तो उसने पैसे उधार लिए बहुत सारे जो मनी लैंडर्स थे, और उसके बाद वो पैसे चुका नहीं पाया, तो मनी लैंडर्स ने फिर क्या किया, उसके पास जाके उसकी पावर्स का बहुत सारा हिस्सा अपने नाम लिखवाया कि आप ये नहीं करोगे, ये पावर हम हमें दोगे, उससे पावर ले रही थी। इसीलिए इंग्लैंड में पार्लियामेंट सबसे पहले आई थी 1688। अपना एक अरे प्रथमेश्वर, राजा प्रथमेश्वर है क्लास में? राजा प्रथमेश्वर क्लास में है क्या, हाजिर हो सर? ये प्रथमेश्वर राजा है भाई एक, ठीक है, इसके पास आर्मी है, राजा के पास आर्मी है, ठीक है। अब इसके पैसे खत्म हो गए, इस आर्मी को सैलरी नहीं मिल रही, नो सैलरी, एक महीने दो महीने फालतू बात नहीं, दो महीने तक वेट करेंगे सोल्जर, उसके बाद सोल्जर भागना शुरू कर देंगे, कोई हथियार लेके भाग जाएगा, कुछ कदर भाग जाएगा, ऐसे करके तो राजा की आर्मी चली गई, नो आर्मी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक सेठ है बहुत बड़ा, लेट्स से सेठ युवराज है, सेठ युवराज, सेठ युवराज के पास आर्मी नहीं है, आर्मी नहीं है, लेकिन सेठ युवराज के पास पैसे बहुत है, इसके पास तो मतलब पैसों का ढेर पड़ा हुआ है, इतना पैसा इसके पास है, कॉइन गोल्ड कॉइन भरी पड़ी है, इसने अपना मर्चेंट काम करके ट्रेडिंग से कमाया हुआ पैसा। अभी जाता है छोटे से किसी छोटा सा स्मॉल कीफ्टन के पास, स्मॉल प्रिंस के पास चला जाएगा किसी के, और बोलेगा सुनो सर। सुनो हाँ एक मिनट, सुनो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं, तुम अपनी नई आर्मी खड़ी करो। ऐसा हुआ था जब अहमद शाह अब्दाली ने अटैक किया था इंडिया में, अफगान से आया था, मूवी है पानीपत मूवी, उस पर जिसमें अर्जुन कपूर है, तो मराठाओं ने 20,000 सोल्जर्स जो है पैसे किराए पे लिए थे राजपूतों से, 15,000 लिए थे सिखों से, और उनको अपनी आर्मी में डाल के फिर अटैक वगैरह किया। तो सैनिक आ जाते हैं, पैसा अगर आपके पास है तो ये बंदा क्या करेगा, अपनी एक आर्मी क्रिएट कर लेगा बढ़िया, और पैसे ये दे रहा है इसको, इनकी अच्छी तनख्वाह मिलेगी, इनको अच्छे हथियार मिलेंगे, इनको घोड़े मिलेंगे, सब बढ़िया, ये बढ़िया आर्मी बन जाएगी, फिर जाके इसका बैंड बजवा देगा। तो तुम लोगों को लगता होगा कि राजा किसी को मार सकता, नहीं मार सकता, क्योंकि एक सेठ को मारेगा तो बाकी सारे सेठ खतरनाक हो जाएंगे, बोलेगे ना 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 एक मिनट, आज आप इसको मार रहे हो, कल को हमें मारोगे आप, तो ये बहुत मुश्किल है, हो सकता है नहीं मार सकता राजा भाई, उसको पास पैसा कहाँ है, वो पैसा छुपा के रखते थे, पैसा देंगे नहीं उसको। अच्छा पहले ना बहुत पहले एक साउथ के अंदर एक ग्रुप होता था, इसको बोलते थे 500 व्यापारियों का ग्रुप, 500 मर्चेंट ग्रुप, सर आपने बताया था चैप्टर 11। ये ग्रुप इतना स्ट्रांग था कि इसकी इतनी पावर थी कि राजा भी इससे पंगा लेने में डरते थे, क्योंकि तो राजा को टैक्स नहीं मिलेगा, मर्चेंट उसके राज्य में ट्रेडिंग नहीं करेगी, तो राजा वीक होता जाएगा यार, राजा तनख्वाह कहां से देगा अपने सैनिकों को, ऑफिसरों को, अपने स्टाफ को, अपने नौकर को, खाना बनाने वाले को, रानी की नौकरों को, कहां से देगा पैसे? तो ये एक रिलेशन रहता था दोनों के बीच, जिसने कुछ गलती कर दी उसको राजा मरवा सकता था, लेकिन सबको इकट्ठा नहीं कर सकता था, इसलिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंस किंग्स की रहती थी मनी लैंडर्स के ऊपर।
so let us guys now let us see on one particular thing that is so we have understood now how the administration was run. So abhi raja ke teen main kaam hote hain. राजा के तीन मेन काम होते हैं. पहला काम होता है पॉलिटिकल. अब राजा क्या क्या काम करेंगे? पहला काम उसका पॉलिटिकल, वो सबके साथ बात करना, किसी दूसरे राजाओं के साथ फ्रेंडशिप करना, किसी को डांटना, किसी को लेटर लिखना, ये सब करना पहला काम. दूसरा होता है उसका टैक्स कलेक्शन, रेवेन्यू. मेन तीन काम मेन है उसके. और तीसरा उसका काम होता है मिलिट्री, अपनी मिलिट्री को ठीक रखना, अपनी आर्मी को ठीक रखना, लड़ाई लड़ना, ये सब काम. तो किंग का जॉब है ये. ये तीन जॉब किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किंग के लिए. जिस किंग ने ठीक कर लिया वो तो अच्छा राज करेगा, जिसने इसमें गड़बड़ कर दी उसका लुटिया डूब जाएगी. लुटिया डूब जाएगी मतलब तो क्या तुम लोगों क्या होता है? रिवर के बीच में लुटिया डाल दो, थोड़ी देर तक तो तैरती रहती है, फिर उसमें पानी घुस जाता है, डूब जाती है. सर एक और क्वेश्चन है. मनन एक मिनट होल्ड करो, मनन कैमरा ऑन करो, कैमरा किन ऑन है. सर उस वक्त इतने सारे गोल्ड कॉइंस मिले कैसे? मतलब बनाए कैसे? जमीन से मिलता है, निकलता है गोल्ड. सर तो इंडिया में इतना सारा था गोल्ड. सर इंडिया में इतना सारा था गोल्ड. बहुत गोल्ड था इंडिया. सर इंडिया को सोने की चिड़िया बोलते हैं सर. इंडिया आज भी गोल्ड की चिड़िया बोलते थे सर. गुप्ता साम्राज्य के टाइम पे इंडिया की जीडीपी वर्ल्ड की सबसे नंबर वन पे थी. नंबर वन पे इवन शाहजहां और के जहांगीर के दरबार में जो था उस वक्त इंडिया की जीडीपी नंबर टू या थ्री पे थी. वर्ल्ड में नंबर टू या थ्री पे थे हम लोग. बहुत रिच थे हम लोग. ओके राज में मैप तुम्हें समझा रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक एट दिस मैप. ओके सर लुक एट दिस. सो मौर्यन एम्पायर शोइंग प्रिंसिपल सिटीज एंड सम ऑफ द प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड. कांधार अफगानिस्तान के पास का बहुत मेजर सिटी है. तक्षशिला के अंदर तो यूनिवर्सिटी ही थी. मानशिरा, अच्छा कालची, ये मेरठ के पास भी कुछ इंस्क्रिप्शन मिले. मेरठ भी एक बहुत पुराना शहर है जिसमें कौरव पांडव के टाइम से हुआ. लुम्बिनी जहाँ पे इनका जन्म हुआ था अपने इनका जय बुद्धा जी बुद्धा का. सारनाथ जहाँ उन्होंने पहला लेक्चर दिया था अपना, वे बनारस के पास. उसके बाद दोस्तों सांची में स्तूप मिले हैं एमपी में. ओके गिरनार में स्तूप मिले हैं. स्तूप समझते हो ना, एक क्या होता था स्तूप, होता क्या बता देता हूँ. स्तूप दोस्तों क्या होता है, भगवान बुद्ध का या तो कोई दांत है या तो कोई और हड्डी का टुकड़ा है वो मिलता था, तो उसको ढक के रख देते थे जमीन में. ठीक है, फिर उसको थोड़ा मिट्टी डाल देते थे ऊपर. फिर कोई राजा आता था, बोले ये क्या है? बोले भगवान बुद्ध का यहाँ पे बॉडी के पार्ट है, रेलिक बोलते थे. अरे तो साला मिट्टी में क्यों रखा है, इधर तो मार्बल लगवाओ, मार्बल का बड़ा सा बनाओ. तो धीरे धीरे वो बड़े बनते गए, जैसे पिरामिड की कहानी हुई. तो धीरे धीरे फिर स्तूपा बहुत बड़े बड़े बने. स्तूपा क्या था, हाफ सेमी सर. एक गुफा भी तो बनवाई है सर राजाओं ने. हाँ राजाओं ने एक गुफा भी बनाई, उसके बारे में बात करेंगे. वो कैलाश का जैसे गुफा है अजंता में, बहुत ही बेहतरीन चीज है, बाद में बात करेंगे. ओके चलो भाई वीराज अब आगे से पढ़ रहे हैं. अभी जल्दी से जल्दी 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 सुपा वगैरह कहाँ कहाँ मिल गया हमें. ओके अशोका ए यूनिक रूलर, जल्दी कर भाई. सर मैं तुम ही पढ़ो. अशोका द यूनिक रूलर, ही वाज द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर एंड वाज द फर्स्ट रूलर हु ट्राइड टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू इंस्क्रिप्शन. मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शन वर इन प्राकृत and were written in Brahmi script. Script क्या होता है, जो letter होते हैं, जैसे हम लोग English पढ़ते हैं वो Roman script होती है, हिंदी जो पढ़ते हो देवनागरी script होती है, right? तो script होता है जो लिखा हुआ word होता है, और जो बोलते हैं हम उसको प्राकृत भाषा. तो प्राकृत भाषा में ज्यादातर इनके वो script है, ताकि हर common बंदा भी उसको पढ़ सके. ओके वेट 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 ऑल राइट आफ्टर अविराज लेट मी नाउ गो टू कल प्रथमेश्वर नहीं पढ़ पाया था. प्रथमेश्वर आज पढ़ने की पोजीशन में है? नहीं सर पढ़ लिया था वो. यस सर सर. अच्छा पढ़ लिया था. अक्षिता प्लीज गो अहेड. अशोका वॉरन कलिंगा. अशोरा ने पढ़ने की स्थिति में था कल. पर सर ने पढ़वा दिया था बाद में. अबे मैंने पढ़ना पड़ा था. अशोरा बचा हुआ है अभी, अशोरा को पढ़ाऊंगा अभी. अक्षिता पहले आप पढ़ो. मनन म्यूट, तेजस म्यूट. अक्षिता क्यों नहीं पढ़ पा रही है? सर शी इज नॉट देयर इन द क्लास.
ओके सर, क्लास ज्वाइन करके सो गई। शौर्य लेट्स अहेड, लेट्स गो अहेड विद यू। शौर्य यस सर, कौन सा पॉइंट? यू हैव टू रीड पॉइंट नंबर 10, अशोका वार इन कलिंगा ओडिशा में। ओके सर, सर देखिए मैंने फ्यूचर कर दिया। मनन म्यूट हो जाओ चुपचाप। टू कॉन्कर कलिंगा द एंशिएंट नेम ऑफ ऑफ कोस्टल ओडिशा हाउएवर ही वाज सो हॉरिफाइड व्हेन ही सॉ द सर आवाज आ रही है सर बीच में जैसे कोई बात नहीं कुछ हो रहा होगा कुछ है ना कुछ हां ब्लड शेड दैट ही डिसाइड ब्लड शेड खून खराब एनी मोर वॉर्स अशोका इज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री of the world who gave up conquest after winning a war so ladai jeet gaya lekin uske us area pe apna kabza nahi kiya usko unko bol maaf kar diya bola nahi yaar ab ladai nahi karenge okay then comes the dhamma next please 11 point number 11 okay sir sorry ashoka's continue ashoka's dhamma did not involve worship of a god or performance of a sacrifice He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subjects, and he was also inspired by the teaching of the Buddha. A number of problems, such as the people in the empire followed different religions, and this some. Times led to conflict, trouble him a lot. Slaves and servants were ill-treated. Beside, there were quarrels in families and amongst neighbors. Sir, you are on mute. Let us have a look at some of the inscriptions of Ashoka's time. These are actual originals hai ye. These have been found and now maintained sir, very well. Sir, inka ek bahut bada sa pillar sa bana hai na? Haan, wo that is as sir maine visit kiya tha. Haan, wo aap Banaras gaye the? Yes sir, gaya tha. बनारस सर वहाँ पे वो लाला कैपिटल भी देखा। देखो ये पिलर और इस पिलर से ही इसी भाई ये जो अशोका का जो लायन वाला है वो वहाँ मिलता है ये पिलर सर ये एक पार्क में है। हाँ इसकी इंस्क्रिप्शन है आजकल बहुत बड़ा साउंड शो होता है इसके पीछे देखो स्तूपा बना हुआ है सांची का। ओके तो अलग अलग तो अशोका ने काफी इंस्क्रिप्शन करवा दिए थे और इंस्क्रिप्शन में लिखा था बनारस में कौन सी जगह है बनारस के पास है सारनाथ ये देखो एक एक स्तूपा ये भी है ठीक है तो इसमें ये स्तूपा में लिखा रहता था यहाँ पे अशोका का साची स्तूपा में गया हूँ सर। हाँ तो ये सब ध्यान रखना है बच्चों ये अपनी एक्चुअल हिस्ट्री है इसमें कोई झूठी बातें नहीं है सब बिल्कुल अच्छी 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 बातें सब लिखी हुई धम्मा की। तो अशोका क्या कहता था कि अपने नौकरों के साथ बुरा व्यवहार मत करो यार वो भी ह्यूमन बींग्स है फैमिली में लड़ाई मत करो। हाँ वो अलग बात है अपने खुद के भाई मार दिए थे इसने लेकिन बाद में इसको समझ में आया कि यार मैं ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। ओके नाउ आई वांट अक्षिता टू रीड पॉइंट नंबर 12 अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी। अक्षिता की पता नहीं क्या ट्रबल है समझ नहीं है शायद बोलने का। अक्षिता पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसकी वजह सर कुछ माइक का प्रॉब्लम होगी पर अद्विक अद्विक आप बात आप पढ़े भाई अद्विक। यस सर पॉइंट नंबर 12 ना 12 हां हां अशोका फेल्ट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीस प्रॉब्लम्स सो ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स नोन एज द धम्मा महात्मास हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग अबाउट धम्मा। अशोका गॉट हिज मैसेज इनस्क्रिप्ट ऑन रॉक पिलर्स इनस्क्राइब मतलब के उस पे हां इनस्क्राइब्ड ऑन रॉक एंड पिलर्स instructing his officials to read his message to those who could not read it themselves. He also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands such as Syria, Egypt, Greece and Sri Lanka.
He built roads, dug well, rest houses, and he also arranged for medical treatment for both human beings and animals. Okay, दोस्तों inscribe का मतलब होता है, हाँ, inscribe का होता है write on hard surfaces. For example, stone, metal, etc. इसको inscription बोलते हैं. सिंगल मोनार्क एंड ओलिगार्की ऑफ और सॉवरेन स्टेट. ओके, ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की क्या होता है? उसमें बहुत सारे राजा होते हैं और अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो फिर बहुत बड़ा राज्य चलाते हैं, वो ओलिगार्की होता है. या फिर तो ये डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, रटने की जरूरत नहीं है. एम्पायर का मतलब जस्ट से एम्पायर इज ए बिग किंगडम, इतना काफी है. कैपिटल, ओके, कैपिटल सबको पता है, हर एक सिटी की कैपिटल होती है, जहां पर राजा बैठता है, राजा का कोर्ट होता है, राजा का मेन जो प्लेस होता है राजा का. ओके, ऑफिशियल्स होते हैं जो राजा के जो स्टाफ में काम करते हैं, जो उसके ऑफिसर्स होते हैं, मंत्री होते हैं, वो सब. मैसेंजर होता है एक जगह दूसरे मैसेंजर. ट्रिब्यूट का मतलब दोस्तों मैंने क्या बताया, गिफ्ट के तौर पर लेके जाना कुछ. धमा, essential quality of character. Okay, ठीक. कुछ questions के बारे में अचमोरियम पर शोएंगे, हमने कर लिया था. Okay. अब थोड़े से questions पे. सर, 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 आपने आज दिया था वो सर डिस्ट्रिक्ट का. और गंगवर, हाँ, क्या क्या चीज? सर डिस्ट्रिक्ट का कल दिया था कि वो करना प्रिपेयर, कल आज आप टेस्ट लोगे. डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट? सर नहीं, सर आपने बोला था स्टेट्स का एक टेस्ट लोगे. अच्छा अच्छा, चलो देखता हूँ, पहले चैप्टर तो खत्म करा दूं. डिस्ट्रिक्ट, मैं कह रहा डिस्ट्रिक्ट से कंफ्यूज हो गया मैं, क्या कह रहा है यार लड़का. ओके दोस्तों, अभी एक और क्वेश्चन पूछ लिया था गलती से मैंने. सर मैं गलती से खुद भूल गया, डिस्ट्रिक्ट था स्टेट था इसलिए. कोई बात नहीं दोस्तों, ये कुछ और चीजें दिखाना चाह रहा हूँ मैं. ये बहुत अच्छी बुक लगती है मेरे को, फुटप्रिंट, क्योंकि ये डिटेल पर हमने पहले हमने मेन काम कर लिया अपना, हमने डिटेल में देख लिया. देखो ये है चाणक्य का एक छोटा सा पिक्चर, किसने बनाया. अलेक्जेंडर का इन्वेजन से बात शुरू करते हैं 326 में. लंडन अलेक्जेंडर सर, सर अशोक का सर कोई पेंटिंग है? ओ मुझे नहीं लगता. सर ऐसे कुछ पता, कैसे पता चलता है कि चाणक्य ऐसे लिखते थे? एक्चुअली क्या होता है, अगर जो मूर्ति मूर्ति मिल जाए, बाद में पेंटिंग पेंटिंग मिल जाए, अब ये वहां पे जो लिखा होगा ना कि वो ऐसा था, बाल नहीं थे उसके, चेहरा ऐसा था, लंबी नाक थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, उससे पेंटिंग बनाते हैं जब तक पेंटिंग ना मिले. तो अलेक्जेंडर की हेल्प की थी, उसके बाद भैया चाणक्य चंद्रगुप्त ने अपना राज्य चला लिया, उसके बाद बिंदुसार बन गया राजा. बिंदुसार 297 में राज्य पे बैठा और 272 तक रहा, बीसी तक, अराउंड 25 ईयर्स. हाँ, और उसके बाद अशोका ने काफी लंबे टाइम तक 40 इयर्स तक राज किया और 272 में उनका 232 बीसी में वो डेथ हो गई. ये उनका ये रहा लायन वाला पिलर. अच्छा, अशोका के सक्सेसर थे वो बहुत वीक थे, और जो लास्ट किंग था उसका जो एक सेनापति था उसका नाम था बृहद्रथ. बृहद्रथ ने अपने राजा को मार दिया और एक नई डायनेस्टी शुरू कर दी थी. ओके, मूर्तियां बनती थी तो मूर्ति से देख के पता चलता है, मूर्ति ऐसे राजा बैठता था, मूर्ति बनवाता था. मैं चाहूंगा अक्षिता अगर हमारे बात सुन रही है. कितना टाइम लगता था मूर्ति बनने में? वो डिपेंड करता था कितनी अक्षिता, कैन यू हियर मी? सर अगर गलती हो जाती थी मूर्ति में तो सर ऐसा भी होता था कि राजा मरवा देते थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब झूठी कहानियां. अक्षिता प्रथम करवा सकते हैं सर. आई थिंक अक्षिता इज नॉट रेडी टू. अक्षिता सो गई. अरिणी अधिकारी, कैन यू टेल मी अबाउट चाणक्य द इंडियन
मैकियावेली, मैकियावेली मतलब एक यूरोप का बहुत बड़ा थिंकर था, बहुत बड़ा दिमाग चला सर था। रीड करो ये या चाणक्य। चाणक्य आल्सो नोन एज कौटिल्य और विष्णुगुप्त वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड चंद्रगुप्ता'स राइज टू पावर, अ ड्रामा रिटन बाय विशाखा दत्ता कॉल्ड मुद्रा राक्षसा अराउंड द 6th सेंचुरी सीई डिस्क्राइब्स द पावर पॉलिटिक्स बिटवीन चाणक्य एंड राक्षसा अ मिनिस्टर ऑफ द नंदास एंड कॉल्स चाणक्य अ क्रूकेड जीनियस। ओके तुम्हें ध्यान है कल वो बात कर रहा था जब राजा कह रहा था, धनानंद कह रहा था है? बता रहा हूँ अमात्य राक्षस रोको इसको। एक्चुअली राक्षस वो वैसा वाला राक्षस नहीं है, राक्षस वो अपने मंत्रियों को बोलते थे, मिनिस्टर्स को। ओके क्रूकेट का मतलब है बदमाश, 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 बदमाश। ओके अरिनी कंटिन्यू प्लीज। अरिनी However, Chanakya is regarded as a great political thinker, economist, and kingmaker. His political ideas are compiled in the Arthashastra, one of the world's earliest treatises on political thought and social order. दोस्तों दो बातें बतानी मेरे को तुम्हें, एक तो होता है किंग मेकर, तो बोलो सर किंग मेकर क्या चीज होती है? जो लोग किंग बनाते हैं, आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे है जो की सामने नहीं आते लेकिन गवर्नमेंट बनाने में उनका बहुत हाथ रहता है। दो बड़े बड़े नेताओं के बीच में मीटिंग कराएंगे, ठीक है। जैसे इससे पहले एक बंदा था, उसका बड़ा नाम था, उसने कभी खुद वो पॉलिटिकल में नहीं रहा लेकिन वो किंग मेकर बोलते थे। उसको डेथ हो गई उसकी, मैं भी मिला थोड़े दिन पहले उससे, अमर सिंह नाम था उसका, मुलायम सिंह का बड़ा खासम खास था। अमर सिंह को किंग मेकर बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ऐसे किंग मेकर बोला जाता है। वो जो रिंग किंग्स बनाते वो तो किंग मेकर हो गया। ओके Guys, give me a moment, please. सर मैं आ रहा हूँ। ये ले। ठीक है। कब पहुँच रहे हो? सर वन यहाँ से 28 को निकल जाएंगे। 28 को। चल ठीक है, मिलते हैं फिर। आजा। किंग मेकर, guys। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरे को बताना, अर्थशास्त्र। 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 अर्थशास्त्र इज अ बुक रिटन बाय चाणक्य, वन ऑफ द वेरी फेमस बुक बाय चाणक्य। इसके अंदर सारा ये लिखा है कि राजा को कैसे करना चाहिए, राजा के मंत्रियों का क्या काम होना चाहिए, एवरीथिंग अबाउट रनिंग ए किंगडम इज रिटन। छोटी छोटी बात, जैसे उसमें अर्थशास्त्र में ये भी लिखा है कि ब्लैंकेट जो मंगाने हैं तो अफगानिस्तान वाले मंगाओ, हॉर्सेज मंगाने तो अरब से मंगाओ। बहुत बिल्कुल जितनी उसकी नॉलेज थी सब उस बुक के अंदर उसने डाल दी। ओके राइट गाइस, सो कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग अभी उसी बुक को अपना फुटप्रिंट के साथ, देखो। ओके ठीक है, ये हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम बता दिया हमने। ये चंद्रगुप्त मौर्य का एक स्टैचू बना हुआ भैया, ये बंदा था जिसने मौर्य साम्राज्य की। सर मैं पढ़ लूं? अभी बताऊंगा जब पढ़ने की बात आई। बिंदुसार, मैंने बताया था बिंदुसार का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या था, उसने 101 बच्चे पैदा किए थे। अशोका द ग्रेट, ये इनका राज्य साम्राज्य का टाइम थोड़ा सा, कई बार क्या होता है अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग टाइम देते हैं। अभी हमने पढ़ा था 272 BC, इसमें 268 BC लिखा हुआ, तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग मेंशन आता है। सर आपके हिसाब से तीनों में से सबसे अच्छा किंग कौन रहा? मेरे ख्याल से इंडिया की जो ग्रोथ हुई, देखो सबसे ग्रेट तो चंद्रगुप्त मौर्य हुआ जिसने डायनेस्टी को वो किया, उसके बाद नंबर टू पे आता है अशोका। इनफैक्ट अशोका को लोग ग्रेटेस्ट किंग एवर मानते हैं, एवर, इतना उसने काम किया हुआ है, कितने लोगों की हेल्प की बाद में वो सब किया। ओके तो अशोका का एम्पायर देख लो, पूरा एम्पायर उसने अपना ले लिया था। नीचे चोला चेरा और पांड्या नहीं, को नहीं जीत पाया था बस। ओके कलिंगा वार ने उसको बहुत दुखी कर दिया था, उसने देखा कि ये सब हो गया है तो कलिंगा वार का उसने किया। ये अशोका के एडिक्ट, एडिक्ट का मतलब होता है ऑर्डर्स, एडिक्ट मतलब ऑर्डर्स, एक और वर्ड है, या तुम नोट्स बनाओगे लिख लेना सब। एडिक्ट मतलब किंग्स ऑर्डर्स, किंग्स ऑर्डर्स। और ये ऑर्डर कहाँ लिखे जाते थे? पेपर पे नहीं लिखे जाते थे, किंग्स ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब करते थे इनको पत्थर पे ताकि ये धूल मिट्टी में भी चले रहे, सालों साल तक चलते रहे, इंस्क्राइब्ड ऑन हार्ड सरफेस। ओके ठीक है, मैं वापस जाऊंगा, रीडिंग का सबको मौका मिलेगा क्योंकि अभी है।
अशोका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस मेजर्स, उसके बाद हम देखेंगे ही अशोका का। सर आप कल क्विज लोगे? क्विज नहीं देखूंगा अभी, पहले यार चैप्टर छोड़ के तो बीच में नहीं जा सकते ना। ओके, एक बंदा आया था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया था, उसका नाम था, उसका नाम था, उस बंदे का नाम था मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने बुक लिखी है, इसका नाम है इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। उसमें काफी कुछ लिखा गया है कि इंडिया के अंदर ऐसा राज चलता है, राजा ऐसा है, ये है वो, सब काफी कहानी उसके अंदर है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे अभी, मैं वापस लेके आऊंगा तुम लोगों को। अमात्य महामात्रा युक्ताज, ओके ये हो जाएगा। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर देख लेंगे, आर्किटेक्चर देख लेंगे हम लोग, और इसके बाद साइरस द ग्रेट के बारे में भी थोड़ा देखेंगे, मैसेडोनिया का किंग था। ओके नाउ गाइस, ठीक है वापस चल रहा हूँ मैं, जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उनको एक बार से पढ़ा हूँ। हैं निकेटर, सेलुकस निकेटर तो वो था ना, सेलुकस, सेलुकस का पूरा नाम तो सेलुकस निकेटर, सेलुकस निकेटर, जिससे 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 कि इसकी बेटी की शादी हुई थी, इसको हराया था नरेटर चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त ने इसको हराया था। ठीक है सर, सेलुकस नरेटर, नरेटर नहीं निकेटर। ओके ओके, फटाफट से जल्दी जल्दी से शुरू कर लेते हैं हम लोग। अरिनी के बाद अद्विक, प्लीज सेकंड चांस मिल रहा है आपको, जल्दी शुरू करें सर। द बिगिनिंग से, या ये द बिगिनिंग, इन 326 BCE Alexander the ruler of Macedonia attacked northwestern India and defeated several republican states, though he wanted to cross the Indus and continue eastward. पहले देख देख लो ये आया कहां से था, मैसेडोनिया, ये रहा नॉर्थ मैसेडोनिया, दिख रहा है सबको, ये मैसेडोनिया, मैसेडोनिया से आया था ग्रीक से, और कौन से रास्ते से आएगा, रास्ता भी देखो, यहाँ से मैसेडोनिया से निकला है इसने, पूरे बहुत आधा आधा वर्ल्ड जीत लिया इस बंदे ने यार, यहाँ से गया है देखो, यहाँ से गया, पूरा रास्ता क्लियर करा, पूरा रास्ता क्लियर करा, यहाँ गया कजाकिस्तान, यूक्रेन भी ले लिया इसने, ये देखो ये देखो इसकी अभी लड़ाई चल रही है, ये देखो मंगोल, ये अपना पूरा ले लिया, ये अफगानिस्तान यहाँ तक। सर इतना कॉन्कर करने में तो इसकी आधी लाइफ चली ही गई होगी। हाँ ये 23 साल का तो था जब इसने शुरू किया था, ये तो 12 साल घर से बाहर ही रहा, 12 इयर्स तो लाइक बूढ़ा हो गया होगा तक तब इंडिया में। नहीं नहीं 12 इयर्स में ही कर लिया था सब कुछ इसने, और ये मर गया था रास्ते में, वापस जीत पहुंच नहीं पाया था सर, वन ट्रैक माइंड था इसका। ठीक है, इसको रास्ते में डेंगू डोंगू हो गया था, कोई बोले थे डेंगू डेंगू से मरा है, कुछ लोग बोलते इसको पॉइजन दे दिया था इसी के जनरल्स ने, क्योंकि वो थक गए थे, घर जाना चाहते थे, घर नहीं जाने देता था उनको। ओके या प्लीज कंटिन्यू इनटू द नॉर्थ इंडियन, इंडियन हार्टलैंड, हार्टलैंड दोस्तों ध्यान रखना, जो मेन एरिया होता है उसको हार्टलैंड, जैसे हमारा दिल्ली हरियाणा का इलाका है हार्टलैंड है, और बॉर्डर का एरिया अलग होता है, तो बॉर्डर के बाद हार्टलैंड आता है, हार्टलैंड बीच का एरिया, जैसे हार्ट है दिल के शरीर के बीच में, जैसे हार्टलैंड। इनटू द नॉर्थ इंडियन हार्टलैंड His army was defeated by the powerful army of Nananda dynasty. So Alexander appointed governors in India to look after the territories he had conquered and left for Greece. Alexander's invasion weakened the small tribes and states of North India. This enabled the Mauryas to establish control over these territories and build an empire. Okay, तो अभी चंद्रगुप्त मौर्य को मौका मिल गया अपना राज्य बनाने का। अक्षिता को तो अक्षिता को प्रॉब्लम आ रही है माइक की, तो मैं अभी नाउ स्किपिंग टू युवराज डायरेक्टली। युवराज प्लीज गो अहेड जल्दी। चंद्रगुप्त मौर्य, अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य का जल्दी से पढ़ दे सर। अलेक्जेंडर के पास एक डॉग भी था ना जो अभी तक उसकी ब्रीड फाइंड नहीं कर पाए, उसके बारे में मुझे नहीं पता, बात ही नहीं हो पाई इस बारे में अलेक्जेंडर से कुछ। हाँ भाई, चंद्रगुप्त मौर्य 321 to 297 BCE, all through the Nandas had a powerful army, they were unpopular with the people. A young man named Chandragupta who had served the Nandas left them and sought refuge in northwest.
अफगानिस्तान की तरफ चला गया था वहां से आर्ट ऑफ अवेयर वॉरफेयर फ्रॉम द ग्रीक इट वाज हियर द चंद्रगुप्त met a wise Brahmin named Chanakya or Kautilya. Chanakya too had been humiliated by the Nanda king Dhananand. He was impressed with Chandragupta and decided to train the young man in statecraft. Statecraft क्या होता है? कि राज्य कैसे चलाना, राज्य कैसे बनाना है, स्टेट का पॉलिटिक्स को बोल सकते हो इन स्टेट क्राफ्ट विद चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू द नंदास इन 321 BCE एंड एस्टैब्लिश द मौर्यन एम्पायर. अगर आपसे कोई पूछे कि मौर्यन एम्पायर की का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, आपको याद रखने हैं दो चीजें, कौन कौन सी, ए बी एस सी, ए बी सी एंड इसके अलावा थ्री मगध किस तरह आया था वैसे, 3-2-1 देखो ध्यान से दोस्तों, 3-2-1 बी सी सर, ए बी सी तो सर अशोका बिंदुसार, अशोका बिंदुसार चाणक्य चंद्र, सॉरी अशोका बिंदुसार चंद्रगुप्ता, और डे भी कितना आसान है याद करना, 1-2-3 321 बी सी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी. ओके मगध में तो बहुत टाइम से राज्य चला रहा था, और शुंग साम्राज्य था, उससे पहले हरदायक साम्राज्य था जिसको बिंबसार ने एस्टैब्लिश किया था, बिंबसार उसका बेटा था अजातशत्रु, बहुत पुरानी सात डायनेस्टी थी इससे पहले, टोटल सात सेवन डायनेस्टी थी. मौर्यन से मेरे ख्याल से नंदाज थर्ड पे थे, फोर्थ पे मौर्यन. आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पोजीशन इन मगध, चंद्रगुप्त कॉन्क्वर्ड द पंजाब एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया. ओके 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 मनन गुप्ता गो अहेड प्लीज, अभी इसकी शादी के बारे में तुम्हें पता चल जाएगा. हाँ सर, कौन सा अच्छा बिंदुसार वाला, सर मैंने तो पढ़ाई इन द नॉर्थ वेस्ट, इन द नॉर्थ वेस्ट. अब क्यों प्रो ज्यादा डिस्टर्ब मत करो, चंद्रगुप्त कंक्लूड अ मैरिज अलायंस विद द डॉटर ऑफ सेलेकस निकेटर अलेक्जेंडर जनरल टेरिटरीज. या नाम क्या था उसका, नाम क्या था, नाम क्या था उसका, सेलेकस निकेटर की बेटी का नाम क्या था, हेलेना. हेलेना, हेलेना से शादी कर ली, किसने शादी कर ली दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने. सर हेवन, वेल एग्जैक्ट कहां से चला एलेक्जेंडर, तो हम चला गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने. ओके गो अहेड गो अहेड, जल्दी पढ़. ओके सर, टेरिटरीज कवरिंग मॉडर्न अफगानिस्तान वेयर गिवन टू चंद्रगुप्त थ्रू दिस मैरिज. चंद्रगुप्त ऑल्सो कॉन्कर्ड मैनी एरियाज इन द साउथ, हिज एम्पायर स्ट्रेच्ड बियॉन्ड द विंध्यास अप टू द डेक्कन, दस हिज एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिंदू कुश इन द नॉर्थ वेस्ट in the northwest to Bengal, in the east of Himalayas, eastern Himalayas in the north to Narmada in the south. Chandragupta probably rain comes the rule rain for 24 years. Jaina texts tell us that towards the end of his life he became a follower of Mahavira. He abdicated his throne. Utar gaya, gaddi se utar gaya. Okay, so throne and joined a group of Jaina monks led by Bhadrabahu and traveled to Sarvana Belgola in Karnataka. आज का जो कर्नाटका वहां तक गया, उसके बाद अपने पास खाना बंद कर दिया, खुद मर गया, इतना मतलब स्ट्रॉन्ग बंदा था. There he fasted unto death in kept with the Jaina spiritual tradition. Okay, शुरू में जो मौर्य जो थे वो जैन धर्म को मानते थे, बुद्ध धर्म बाद में अपनाया लोगों ने. ओके बिंदुसार के बारे में हम छोड़ देते हैं, बिंदुसार इतना बड़ा उत नहीं था कुछ तो खास.
ओके इसका हमने बात कर लिया अशोका की तक्षशिला और ये गवर्नर था पहले, ये भी देख लिया। अब मैं छोटा सा एक चीज जो तुम लोगों के साथ डिस्कशन करना चाह रहा हूँ, ये अशोका एडिक्ट्स का थोड़ा मामला थोड़ा अच्छा है ये। ओके अशोका वाज द फर्स्ट रूलर नॉन वायलेंट। ओके ये देख लो धम्मा के जो मेन पॉइंट्स थे ये देख लेते एक बार। ओके तो मैंने मनन को बल दिया चांस, मनन के बाद है प्रथमेश्वर चौधरी। प्रथमेश्वर आप पढ़ लें। अशोका वाज अ किंग हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट। ओके आई थिंक प्रथम कुछ प्रथमेश्वर को कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी मूड नहीं है। सॉरी गो अहेड गो अहेड ईश्वर्या। सॉरी गो अहेड। यस सर। हां कंटिन्यू। अशोका वाज अ किंग। अशोका वाज अ किंग हु गेव अप कॉन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग अ वॉर। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही रिमेंड पीसफुल इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ in efficient administration and working toward instilling good values in his subjects. He became a follower of the Buddha and devoted the rest of his life to his Dhamma. Dhamma is a Prakrit from the Sanskrit word dharma, meaning religion, duty, law, belief, and practices. सही लिखा है। ओके ओके प्रैक्टिस धम्म विजय। अब धर्म की जीत धम्म विजय। धम्म विजय conquest through धर्म and not wars became his goal. अशोका's धम्म through inspired by Buddhism was essentially his ideas on society and governance. वो पूजा पाठ की बात नहीं करता था वो। हाँ। Dhamma through inspired by Buddhism was essentially his ideas on society and governance. He saw himself as a father to his subjects and felt that he had a moral duty to instill good values in them. He spoke directly to his people through his edicts. Ashoka encouraged his subjects to be. अब क्या अशोका क्या कहता था? ये बहुत important है। देखो to be मैं ये important पढ़ता था। Non-violent बनो, violence मत करो, tolerant और respectful रहो दूसरे लोगों के religious belief की तरफ, दूसरे के धर्म की इज्जत करो, ट्रूथफुल रहो झूठ मत बोलो, रेस्पेक्ट करो अपने एल्डर्स की, पेरेंट्स की, टीचर्स की, जो सब बात नॉर्मल बातें बताई जाती है हमारे धर्म में। किंग एंड काइंड एंड चैरिटेबल टू ऑल स्पेशली स्लेव्स एंड सर्वेंट्स। जो नौकर हैं आपके उनको सताओ मत, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, ये बेसिकली। ओके अब अशोका के एडिक्ट के बारे में अब हम पढ़ रहे हैं। तेजस सिंह पढ़ रहे हैं। तेजस आप पढ़ रहे हैं। यस सर। हाँ अशोका वॉज द फर्स्ट रूलर टू कम्युनिकेट टू हिज सब्जेक्ट्स थ्रू एडिक्ट्स। टू स्प्रेड हिज आइडियाज अशोका inscribed his messages on a stone pillar, caves, boulders and rocks so that people could read them. These edicts were widely spread throughout his empire. They conveyed Ashoka's ideas on administration, religion and behavior of the people towards one another and their elders. The stone pillars of the Ashoka were carved out of a solid rock and were polished to gleam like metal. Rock को polish कर करके ऐसे तुम्हारा British वाला कब करेंगे हम लोग? हाँ British वाला सर जो आप कह रहे थे ना सर एक दिन होगा। हाँ करेंगे करेंगे अभी नहीं, पहले syllabus पे ध्यान देते हैं। हाँ yes sir, the capital of the pillar was crowned with features of bulls and lion. The most famous pillar is the one at Sarnath. It has four lions carved at the top. This lion capital is now the national emblem of India, and the picture of this lion capital is found on Indian currency. Okay, capital का मतलब क्या होता है दोस्तों? Decorated top portion of a column. Decorated top portion of a column is known as. Okay. कहाँ गए अपना ये अविराज? अविराज जल्दी से पढ़ दे अशोका's administrative and religious measures quickly. Administrative and religious.
इसका तो सिग्नल ब्रेक हो गया। ओके ठीक है राइट देन। अक्षिता आज नहीं पढ़ पाई, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही था। हेलो सुन आ रही है? हां हां जल्दी करो, तेरा वेट कर रहे थे। नॉर्थ वेस्ट इंडिया महात्मास हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। Ashoka himself went on tour of inspection called Dhamma Yatras. He set an example before his people and gave up hunting and eating of meat through some animals continued to be killed in the royal kitchens. Ashoka treated his subject as his own children and worked for their welfare. He built roads, rest houses, hospitals for animals and human beings, planted trees and had wells dug so that people could be comfortable and happy. But ye point aur padh do chhota sa yahan pe. Moral administration was well defined. The moral administration was well defined. Most of our knowledge about moral administration is derived from Megasthenes, Indica and Chanakya Shastra. Megasthenes was sent by Seleucus Nicator as the Greek ambassador to the court of Chandragupta Maurya. He wrote of his experience in the book called Indica. The book is known as Now lost parts of the book are found in writing of other Greek authors like Diodorus, Arrhenius and Strabo. The modern administration was founded on the guidelines of effective and good governors based on Chanakya's Arshastras. The king held supreme power. He took important decision only after consulting his minister, Mantri Parishad and other members of the royal family. Since the Mauryan Empire was very large, it is divided into provinces such as Swarnagiri and Takshila, which were ruled by governors who were usually royal princesses or Kumariyas. These governors reported to the emperor. Provinces were further divided into districts, which comprises several towns or village. Each village had a headman called the Gramika Patliputra. The capital city and its surrounding territory were regarded as the core area and were directly administered by the emperor with the help of the official appointed by him. Who were responsible to him, these officials variously called Amatyas, Mahamatyas and Yukityas, collected tax from the people. They were also responsible for the administration of law and justice, additions, जासूस रहते थे पूरे राज्य में, जासूस ठहरे रहते थे, सब पूरी खबर देते थे राजा को। messages were employed to keep a watch over the people and the officials. तो सर नीचे कर दो। ओके बस इतना काफी। ओके दोस्तों अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा इसका वो साम्राज्य दिखा देता हूँ कि कितना बड़ा साम्राज्य जो है मौर्याज ने। हिंदू कुश तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, हिंदू कुश अफगानिस्तान में पहाड़ियां हैं, अफगानिस्तान की जो पहाड़ियां उनको हिंदू कुश बोला जाता है। यहाँ हिंदू कुश के पर्वत, ये जो पर्वत है यहाँ पे, यहाँ से लाने के लिए एक ही रास्ता है जिसको बोलते हैं खैबर का दर्रा। यहाँ से यहाँ तक राज्य, ये शादी में मिला था इसको दहेज में, अफगानिस्तान का पूरा एरिया निकटर सेलुकस ने दे दिया था इसको, ठीक है। उसके बाद पंजाब, इतना बड़ा दहेज, हाँ ऐसे मिलता था, जैसे बॉम्बे दहेज मिला था जो इंग्लैंड का एक राजकुमार था प्रिंस सिक्स, उसको पूरा बॉम्बे दहेज में दे दिया था पुर्तगीज ने, पुर्तगाल ने। ओके तो दोस्तों इधर देखो, ये है पूरा का पूरा ये एरिया जिसने जीता, ये खुद से जीत लिया इसने, यहाँ पर प्रथम को भी अच्छा खासा मिल जाएगा फिर। हाँ प्रथम को भी सर अच्छा खासा मिल जाएगा, हाँ ऐसे मुझे उम्मीद है। तो अपनी शादी में पता नहीं बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा। एनीवे तो यहाँ पे पाटलिपुत्र कैपिटल थी इनकी,
और उसके बाद नीचे तक का पूरा एरिया, ये देखो ये विंध्याज यहाँ पे है, सब कुछ जीत याद के इसने यहाँ तक नीचे तक, बस थोड़ा सा एरिया बचा था जो कि पांड्या चेरिया चोलास के पास था। इतना बड़ा काम करके गया बंदा। ओके दोस्तों, एक ना नए टीचर है हमारे जो कि पहले बड़ी क्लासेस को लेते थे, एक तक भी लेते थे, उनको मैंने बोला कि मैं 6 सालों को थोड़े बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाते हैं, तो थोड़े स्ट्रिक्ट है लेकिन पढ़ाते बहुत अच्छा है, तो मजा आ जाएगा उनकी क्लास अटेंड कर। ठीक है मेरे घर प्रदीप सर, हाँ बहुत बढ़िया। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? सारे ही बता पढ़ा गए लेकिन हिंदी भी, हाँ तो वो नहीं करा पाएंगे। नहीं ऐसा करेंगे, देखो मेरा फॉर्मूला क्या है कि चैप्टर एक्सप्लेनेशन का काम मेरा है, मैं मेरी तरह से कोई समझा नहीं सकता तुम लोगों को, बट बाकी टीचर रिवीजन करा सकते हैं, प्रदीप सर भी रिवीजन कराएंगे। ठीक है, हिंदी मुझे बता देना, मैं करा दूंगा जब हिंदी चाहिए। ओके अच्छा दोस्तों, अच्छे से एक चैप्टर हमने कर लिया, अब इस क्लास के बाद मुझे बता दो नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करा, इमीडिएटली मैसेज चाहिए मुझे। और नोट तो बहुत लोगों के नोट नहीं आए, नोट नहीं आए बहुत लोगों के अब तक नोट। ऑलराइट, बाय बाय, गुड नाइट, बाय सर, बाय सर।